नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस करण जीके की सीरीज में हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 आज 23 मई है और 23 मई को इसके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजे क्या रहते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इससे पहले हम जो चर्चा करेंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो चर्चा करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य एग्जाम से संबंधित है। देश में जो घटनाएं घटित होगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, इसमें आपके एग्जाम के दृष्टि से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, मैं अपने चैनल पर उसी की चर्चा करना पसंद करूंगा। और ताकि आपके भविष्य में जो एग्ज़ाम हो, आने वाले जो SSC रेलवे जो एग्ज़ाम है, उसमें किस तरीके से इस टॉपिक पर क्वेश्चन बने जा सकते हैं, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के दिन 23 मई को शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनने की संभावना होगी, गठबंधन की होगी या पूर्ण बहुमत की होगी, उसको तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनावों को देखते हुए और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैं लोकसभा चुनाव 2019 की आज से एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कई पार्ट्स में होगी। उसमें आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप साथ साथ बने रहने। जैसे हम लोकसभा चुनाव 2019 पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ऐसे लेके चलेंगे और उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव के 2019 के जो पार्ट फर्स्ट है, उसके तहत इस पहले चरण में मैं आपको कुछ शब्दावली के बारे में बताऊंगा, ताकि आप चाहे YouTube पे देखो, चाहे TV पे देख रहे हो, चाहे अखबार पे देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई शब्द आएंगे, प्री पोल अलायंस शब्द आएगा, NDA शब्द आएगा, इसने सपोर्ट दिया, उसने सपोर्ट नहीं लिया, UPA शब्द आएगा और अन्य पार्टियों के नाम आएंगे, किससे गठबंधन कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आई, एक जंजाल सा बनेगा। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन इस चैनल में नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं, जो कि इन छोटी छोटी बातों से अनभिज्ञ होते हैं, तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप साथ में बने रहिए। हम जो बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की यदि हम बात करें, तो एक तो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि ये 17वीं लोकसभा के चुनाव है, पहला पॉइंट तो ये। और पुराने पेपर हम देखते हैं, जब 15वीं लोकसभा के हुए थे, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में कौन सी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए या कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव है ये। ये जो चुनाव हुए हैं, यदि हम इन चुनाव की बात करें, तो इनकी जो सीटें हैं 543 सीटों पर हुए हैं, ये 543 सीटों पर हुए हैं। और अपना जो पिछले वीडियो देखे गए उसमें आपको बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 सात चरणों में हुए हैं, ये सात चरणों में हुए हैं, 7 phases में ये चुनाव हुए हैं। और 23 मई को आज हम इसका रिजल्ट की बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले यदि हम देखें, तो आप अखबारों में पढ़ रहे हो, यदि हम पूरी पार्टियों को देखें, तो इसको मैं तीन ग्रुप में बांटना पसंद करूंगा। जैसे यदि मैं आपसे एक बात कहूं, समूह की बात करें, कौन से समूह हैं, ग्रुप कौन से हैं, इनकी बात करें, तो इसको मैं तीन में बांटूंगा। जैसे आप साथ साथ बने रहें, जैसे एक तो होता है प्री पोल अलायंस, ये शब्द आप सुनोगे अब, प्री पोल अलायंस। और एक में आप कह सकते हो अन्य में, जैसे मीडिया ने एक शब्द दिया है इसके लिए, अन्य के लिए, निर्गुट, जो किसी गुट में ना हो, निर्गुट, जो किसी भी गुट से जिसका संबंध ना हो। प्री पोल अलायंस, नाम से देखिए, पोल मतलब चुनाव,
प्री, चुनाव से पहले का अलायंस मतलब गठबंधन, तो ये है चुनाव से पहले का गठबंधन, चुनाव से पहले का गठबंधन। अब यदि हम इसको देखें तो यहां पर दो ग्रुप सामने आते हैं, एक है एनडीए और एक है यूपीए। यदि हम अब कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है यूपीए का पूरा नाम क्या है, और एक एग्जाम में पहले पूछा भी गया है एनडीए का पूरा नाम क्या है, छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और कोई बड़ी हैरत की बात नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम में और बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं उनको फुल फॉर्म नहीं पता होती है। इसका जो पूरा नाम है ये है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। अब देखिए ये बहुत सारे दलों का गठबंधन, चुनाव से पहले इन्होंने गठबंधन कर रखा है, जहां पर जैसे कोई बीजेपी ने जैसे अकाली दल के साथ गठबंधन किया, तो जहां पर यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी वहां पर अकाली दल नहीं उतारेगा, और जहां पर अकाली दल ने कैंडिडेट उतार दिया है वहां पर बीजेपी नहीं उतारेगी, और दोनों एक दूसरे का समर्थन करेगी। ये चुनाव से पहले का गठबंधन होता है एनपीए, और इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है इसकी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसके अध्यक्ष आप जानते ही हो, इसके अध्यक्ष है अमित शाह। ये ध्यान रहे, पार्टियों के अध्यक्ष वगैरह पूछे जाते हैं। अब यदि मैं यहां पर यूपीए की बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी जो पार्टी है ये है कांग्रेस, और इसके जो अध्यक्ष हैं आप जानते हो राहुल गांधी। अब देखिए यदि हम अन्य की बात करें, ये अलग है। अलग का मीन्स ये नहीं है कि ये कोई पार्टी नहीं है, अलग का मतलब ये है ये स्वतंत्र है, इन्होंने अपना अलग कर रखा है, या इनमें भी दो ने मिल गए लेकिन वो निर्गुट में आएंगे। जैसे हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी पार्टियां, आज की डेट में बात करें बीएसपी, सपा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस, ये अलग अलग है, ऐसे ये निर्गुट में आती है सर। ये अब मेरी बात को दोबारा समझिए आप, प्री पोल अलायंस जो है चुनाव से पहले का गठबंधन, ये दो होते हैं एनडीए यूपीए, बड़े गठबंधन। अब देखिए एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी जिसके अध्यक्ष अमित शाह, और यूपीए बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है, ये समूह है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष है राहुल गांधी। ये अन्य, और ये तीसरे जो है ये अन्य में आते हैं, जैसे बीएसपी हो गया, सपा हो गया, हालांकि इनमें भी गठबंधन हो सकता है लेकिन वो इनका स्थान नहीं ले सकते। अब देखिए अब होता क्या है, कैसे क्या सिस्टम बनेगा। जैसे यदि मैं आपसे एक बात कहूं, सीटें कितनी हैं, यदि हम सीटों की बात करें, सीटों पर चुनाव हुए हैं 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 272। ये ध्यान रहे जी, बहुमत 272 वाले को मिलेगा। अब जैसे समझने का प्रयास करना, यदि बहुमत एनडीए को मिल जाता है, एनडीए को बहुमत मिल गया, 272 का आंकड़ा पार कर लिया, या 272 ही मिल गए तो सरकार बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 272 का आंकड़ा पार नहीं किया तो इसे फिर गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन फिर किसके साथ करेगी, ये इनके पास जाएंगी, ये इनके पास, बीएसपी के पास, सपा के पास, तृणमूल कांग्रेस के पास, इनके पास ये जाएंगे, इनसे मांगेंगे, फिर ये सपोर्ट करेंगे, मतलब सपोर्ट मतलब समर्थन करेंगे। अब समर्थन कैसे होगा अभी उसकी बात करते हैं। अब जैसे यूपीए है,
इसको यदि 200 बेहतर ने बेहतर मिल गए या 200 बेहतर से ज़्यादा मिल गए तो सरकार बना लेगी, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 200 बेहतर नहीं मिले तो इसको 200 बेहतर की पूर्ति के लिए क्या करेगी, इनसे गठबंधन करेगी, इनसे सीटें लेगी, इनसे सपोर्ट मांगेगी और सरकार बना लेगी। अब होगा क्या वो तो बाद की बात है। सपोर्ट जो होता है, यहां पर मैं एक और बताना चाहूंगा, सपोर्ट समर्थन, हिंदी में समर्थन बोलते हैं, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है सरकार में शामिल होकर, दूसरा होता है सरकार में शामिल ना होकर। दो तरीके से सपोर्ट होगा, या तो वो कहेंगे हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, मतलब हमें भी मंत्री पद दीजिए, तो वो सरकार में शामिल हो जाएंगे, फिर वो आलोचना वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वो खुद आलोचना करेंगे तो अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और सरकार में वो खुद शामिल है। दूसरा तरीका होता है सरकार में शामिल ना होकर, इसमें वो ये कहते हैं कि हम आपको समर्थन देते हैं लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, और कल भी यदि कल को कोई गलत बात होती है या किसी तरीके से होती है तो वो समर्थन वापस ले लेती है। ये दो तरीके से सपोर्ट होता है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसको नहीं समझ में आता है इसको दोबारा सुनिए, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तीन प्रकार के ग्रुप हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें प्री पोल अलायंस, चुनाव से पहले का गठबंधन, इसमें दो ग्रुप आते हैं, एनडीए यूपीए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इनकी। एनडीए बहुत सारी पार्टियों का समूह है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके अध्यक्ष है अमित शाह। यूपीए बहुत सारी पार्टियों का समूह है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी उसके अध्यक्ष है। अन्य में बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे आते हैं। यदि इन पार्टियों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी 200 बेहतर का आंकड़ा पार कर लेती है तो उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो सरकार बना लेगी। लेकिन यदि 200 बेहतर का आंकड़ा पार नहीं होता है तो उसे समर्थन चाहिए, और समर्थन यहां से मिलेगा, इनसे, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस है, यहां से समर्थन मांगेंगे। अब देखते हैं आगे की घटनाएं क्या घटित होती है। अब जब भी आप टीवी देखो उसमें ये शब्द आए तो आप उसको समझने का प्रयास करना, और जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद हम लोकसभा चुनाव 2019 के पार्ट टू के तहत उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सीरीज को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।